जब अयोध्या की सरयू नदी में स्नान कर रहे एक भक्त की जान बचाने आए श्री राम के परम भक्त हनुमान, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी कांपने लगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जागृत अवस्था में है। दोस्तों, प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान का ये चमत्कार अयोध्या के पास में ही बह रही सरयू नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। वहां रोज गांववासी सरयू नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग सरयू नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने के लिए आते हैं। ये बात है गर्मियों की, जब भीषण गर्मी के दौरान राजीव नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मंगलवार के दिन सरयू नदी में स्नान करने के लिए सुबह सुबह के समय जाता है। इतना ही नहीं, राजीव बचपन से ही प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान का परम भक्त था, और जब से उसने होश संभाला तभी से राम नाम का जप करता था और मंगलवार के दिन व्रत भी करता था। वो हर मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ सरयू नदी में स्नान करने जरूर जाता था और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ही वापस आता था, और प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान की पूजा अर्चना करके ही अपने दिन की शुरुआत करता था। एक बार राजीव अपने दोस्तों के साथ मंगलवार के दिन ही सरयू नदी में स्नान करने के लिए सुबह करीब 4:30 बजे पहुंच गया। गर्मियों का समय भी था, नदी का पानी उसे अच्छा भी लगता था। राजीव नदी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा, लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और काफी ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच राजीव फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया। वहां राजीव के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर तो पहुंच गए, लेकिन राजीव लहरों के बीच ही फंस गया। राजीव को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोरों और गांव वासियों को राजीव के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के तट पर लोगों का जमावड़ा लग गया। राजीव भी घबरा गया और उसने मन ही मन राम नाम का जप करना शुरू कर दिया और अपनी जान बख्शने के लिए प्रभु श्री राम और उनके भक्त से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से कभी भी आपकी प्रार्थना की है, आपकी पूजा अर्चना की है, तो हे प्रभु मुझे बचाइए। कुछ ही मिनटों में उसको नदी की लहरों के बीच में ही एक साधु दिखाई दिया, जो कि राजीव की तरफ ही आ रहा था। वो साधु लहरों को चीरता हुआ राजीव के पास पहुंचा और उसको अपने कंधों पर बैठा कर नदी पार कराने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि जब वो साधु राजीव के पास पहुंचा तब लहरें खुद ब खुद शांत हो गई और वो साधु आराम से उसे अपने कंधों पर बैठा कर नदी के किनारे ले आया। नदी के तट पर पहुंचकर राजीव ने उस साधु के पैर छूकर अपना शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का रूप मानकर उसका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो साधु किसी से कुछ भी कहे बिना मंद मंद मुस्कुराने के साथ साथ ही अपनी राह की ओर चल दिया। दोस्तों, इसके बाद राजीव ने अपने घर जाकर सबसे पहले प्रभु श्री राम और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर देसी घी का दीप प्रज्वलन किया और 108 बार वहीं पर बैठकर जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उनके भक्त हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि साधु के भेष में प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान ही अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।